क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। ठीक है, अभी हमने कौन सा ग्राफ बनाना सीखा? हिस्टोग्राम। ठीक है ना, कौन सा? हिस्टोग्राम। अब हम लोग कौन सा ग्राफ बनाना सीख रहे हैं? ये सेकंड टाइप का ग्राफ आ रहा है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। पहला मेथड ग्राफिकली कौन सा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करने का? बाय हिस्टोग्राम ग्राफ। दूसरा हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे सेम उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करने का, और उस मेथड का नाम क्या है उस ग्राफ का? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ आया? इसको बनाने के दो मेथड हम लोग यूज करेंगे। कितने मेथड? दो। पहला मेथड, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जाएगा उसकी हेल्प से पहले क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम जब बन जाएगा तो उस हिस्टोग्राम की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। समझ आया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। ये चीज समझे आप? समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलिए। आया? तो पहला हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं बाय हिस्टोग्राम ग्राफ, यानी हिस्टोग्राम बना करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाना आपने सीखा कि नहीं सीखा? अभी सीख लिया ना? आपको क्लासेस दी हुई हो, और क्लासेस कैसी होनी चाहिए? सेम इंटरवल वाली। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई, तो आप हिस्टोग्राम बना लेंगे। तो प्लीज ये डाटा नोट करिए, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे और हिस्टोग्राम की हेल्प से पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाएंगे। समझ गए? पक्का? ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे आपका हिस्टोग्राम। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ देखिए कहाँ से स्टार्टिंग है। मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम कहाँ तक गई है? 30। ये क्लासेस है ना, एक्स एक्सिस में हम क्लास को दे देते हैं, क्लास इंटरवल। समझे? एक्स एक्सिस में क्या दे दें? क्लास इंटरवल। क्लास, ठीक, दिस इज 0, 5 से स्टार्ट करना है, 30 तक जाना है। तो आपका जो 5-5, ये आपका 1-1 सेंटीमीटर के गैप का जो स्क्वायर लाइन आई है ऊपर से, उस पर आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर 5, 10, 15, ठीक जा रहे हैं, 5-5 का गैप है। फिर 20, फिर 25 और फिर 30, ऐसा होगा। समझे ना? देखिए इंटरवल कितने कितने का है, इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना है। क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना आया साइज इसका? 5। हर जगह सेम साइज है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाने के लिए शर्त है कि क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है ना, इसको मैं यहां पर कंडीशंस भी नोट कर देता हूं। कंडीशंस नंबर 1, क्लास कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूसिव। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है, ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए क्लास कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूसिव। अगर एक्सक्लूसिव क्लास नहीं है, इंक्लूसिव है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं चेंज, आप जान रहे हैं, इसके क्वेश्चन आगे आएंगे एक्सरसाइज 16.2 में, कि इंक्लूसिव क्लासेस दी रहेंगी और बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाइए, तो इंक्लूसिव से तो बनता नहीं, तो पहले क्लास को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं चेंज, हम पूरा इसका एक लेक्चर डिस्कस करके आए हैं पहले, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्लास एक्सक्लूसिव होना चाहिए। दूसरी शर्त, हर जगह क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। क्लास इंटरवल्स सेम, ये दो शर्त नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? दोनों में से कोई एक भी नहीं पाई जाएगी तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनेगा। समझ गए? ठीक है, सेम चीज किसके लिए? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए।
हिस्टोग्राम तो मान लीजिए क्लास इंटरवल डिफरेंट भी होता है तो भी बन जाता है, आपने बनाया ना अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम, हम हाइट को एडजस्ट करके उसको बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए क्लास इंटरवल कंडीशन है, मस्ट सेम होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाएंगे हिस्टोग्राम की हेल्प से। हिस्टोग्राम बनाना आपको आता है, देखिए फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, 7 तक। तो मैं इसको 1 दे देता हूँ, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर हम क्या अलॉट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस में क्लासेस, ठीक है, मार्क्स, ओके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना अब आपको आ रहा है, फटाफट बना लीजिए। 5 से 10 क्लास इंटरवल का हाइट कितना होना चाहिए, 2। 0 से 5 तो है नहीं, देख रहे हो ना, 0 से 5 वाला इंटरवल नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मानी जाएगी, 0, उसको नहीं काउंट कर रहे। स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से 10, ये है 5 से 10 क्लास इंटरवल, और इसके रेक्टेंगल की हाइट कितनी होनी है, 2। तो आप इसको बनाइए अपने हिसाब से, 2 हाइट तक इसको हमको ड्रॉ करना है ऐसे, ये हाइट 2 है मान लो अप्रॉक्स, मेरा कम ज़्यादा होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा भाई ना, ऐसे ठीक है। 10 से 15 इंटरवल की हाइट कितनी होगी, 5, 5 तक ले चलते हैं 10 से 15 वाले रेक्टेंगल को, 5 हमारा थोड़ा और ऊपर है, यहाँ तक आ जाइए और ऐसे बना लेते हैं 15, ठीक है। 15 से 20 वाले की हाइट कितनी ले जानी है, 7, ये है 15 से 20, इस रेक्टेंगल की हाइट हमको 7 तक ले जानी है, मैक्सिमम हाइट इसी की है, ठीक है। 20 से 25 वाले की हाइट कितनी रखनी है, 4, 20 से 25 वाले रेक्टेंगल की हाइट यहाँ तक होगी, सपोज दिस इज 4, ये ठीक है। आपके ग्राफ कॉपी में बढ़िया बनेगा, बढ़िया फिगर दिखेगा, मेरा तो थोड़ा मोटा छोटा हो जा रहा है, आपका नहीं होगा ना, ठीक है। 25 से 30 वाले की हाइट हमको 3 रखनी है, एंड दिस इज अवर 3 वाली हाइट, ये ठीक, ये बन गया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो बनाना आ जाएगा सबको अब ना, सॉरी ये हिस्टोग्राम, क्या हिस्टोग्राम, ठीक बात। अब सुनिए पॉलीगॉन बनाने का मेथड, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का मेथड, ठीक है, ठीक है ना, हो गया यहाँ तक आपका, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है, नंबर 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना, हर रेक्टेंगल के टॉप का एज पकड़ेंगे, एज यानी लाइन, साइड, रेक्टेंगल के टॉप वाली साइड ये है, जैसे ये पहला रेक्टेंगल ऐसे है, तो इसके टॉप का एज ये वाला है साइड, इसके टॉप का साइड ये, इसके टॉप का साइड ये, इसके टॉप का साइड, इसके टॉप का साइड, पकड़े, टॉप वाली जो साइड है उसका मिड पॉइंट पकड़ना है और मिड पॉइंट मार्क करना है, समझे कि नहीं। मिड पॉइंट किस चीज का ले रहे हैं, याद रखिए ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, क्लास मार्क, पहले सीख चुके हैं कि नहीं, क्लास मार्क निकालना आता है ना, इधर देखो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, क्लास मार्क। तो जब हम इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के बीच का कोई नंबर आएगा, कहाँ का नंबर आएगा बोलिए, इन दोनों के बीच का कोई नंबर आएगा, जैसे देखिए 5 और 10 मैं ऐड करूं और 2 से डिवाइड करूं, ये क्या निकाल रहा हूं, क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, तो कितना हो गया ये 15, 15 डिवाइडेड बाय 2, कट पीट के कितना होगा 7.5, 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5 कहाँ की वैल्यू है, 5 और 10 के बीच की वैल्यू है कि नहीं, है ना, तो ये 5 ये 10, तो बीच का ये पॉइंट क्या माना जाएगा 7.5। यहाँ पर एक लाइन आपके ग्राफ कॉपी में दिख रही है, ऐसी गई हुई दिख रही है, ये लाइन रेक्टेंगल के टॉप को जहाँ पे टच करती है, इन दोनों के मिड वाली, दोनों इंटरवल के मिड पॉइंट की जो यहाँ पर वैल्यू आपको दिखेगी, पॉइंट दिखेगा, ये लाइन रेक्टेंगल के टॉप को जहाँ पर टच करेगी, ये हो गया इस रेक्टेंगल के टॉप का मिड पॉइंट, समझ आया।
हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट आपको खोजना, आपको हर जगह ऐसी लाइनें दिखेंगी ग्राफ में, पतली पतली छोटी छोटी लाइनें एक एक मिलीमीटर डिस्टेंस पर रहती हैं, ठीक है ना। ये दूसरे वाले रेक्टेंगल का मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट कौन सा होगा, आंसर है इस क्लास इंटरवल का ये मिड पॉइंट। मिड वैल्यू समझ रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़िए, टू से डिवाइड करिए, तो इसके बीच वाला कोई पॉइंट आ जाएगा, ये है बीच वाला पॉइंट, 10, 15 के बीच वाला ये वैल्यू, ठीक है। यहां से जो लाइन इस रेक्टेंगल को यहां टच करके ऐसी गई होगी, ये वाला पॉइंट हम टच कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। इसका ये हो गया, इस रेक्टेंगल का टॉप का मिड पॉइंट ये, इसके टॉप का मिड पॉइंट ये, ठीक है, हो गया, हो गया, समझ आ रहा है। उसके बाद हम इनका नामकरण कर देते हैं, नाम देखिए ना, इसका नाम हम रख रहे हैं बी, इसका नाम हम रख रहे हैं सी, ऐसे इसका नाम रख रहे हैं डी, इसका नाम हम रख रहे हैं ई, और इसका नाम हम रख रहे हैं एफ। हो गया, ये हो गया, टॉप में जितने मिड पॉइंट मार्क किए सबका नाम रख दिए, हो गया। इधर देखो फिर बनाना आराम से, घबराओ नहीं, बनेगा। ये हो गया सेंटर, सेंटर ऊपर टॉप के, हो गया, हो गया ना। हाँ, आप इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, कैसे, स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री हैंड ऐसे ही कर्व बना के भी ज्वाइन कर सकते हैं, समझ रहे हैं। हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, कैसी लाइन से, कैसी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। तो आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलाएंगे स्केल से, और डॉटेड लाइन या स्ट्रेट लाइन जैसी आपको खींचनी है वैसे आप खींच लेंगे। मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है, ये जुड़ गया। फिर अगले दो पॉइंट को आप जोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन से, स्केल रख के जोड़ना है ना, ये जुड़ गया। फिर अगले दो पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे ऐसे, फिर अगले दो पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे ऐसे, फिर ये आपका बन गया। लेकिन ये क्लोज फिगर नहीं बना, पॉलीगॉन कैसा फिगर होता है, क्लोज फिगर, ठीक है। आप थोड़ा इधर देखिए फिर बनाइएगा आराम से, मैंने यहां से स्टार्ट किया, आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी ना, मेरी टेंडी दिख रही है आपकी, बिल्कुल सीधे सीधे बनेगी, समझ आया, आया। ये देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हो गया, क्या ये पॉलीगॉन ऐसे क्लोज बना, नहीं बना, ठीक है। मुझे इसको सीधा ही बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉलीगॉन्स के साइड कैसे होते हैं, सब स्ट्रेट, कैसे होते हैं, स्ट्रेट, पॉलीगॉन्स के सभी साइड स्ट्रेट होते हैं, ऐसे ऐसे ही होते हैं ना, स्ट्रेट, समझे। इसको भी वैसे ही बना देते हैं, सभी साइड बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगी, आप तो स्केल से नाप के बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी ये, ठीक है। समझे, नहीं समझे, ठीक है। इस तरह से हमारा पॉलीगॉन बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, आप थोड़ा सा देखिए समझिए, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ, और ख़त्म कहाँ हो गया, यहाँ। क्या ये जुड़ा दोनों पॉइंट, नहीं जुड़ा, तो ये ओपन है कि क्लोज फिगर, ओपन, और ओपन फिगर पॉलीगॉन कहलाता है क्या, नहीं कहलाता ना। अब देखिए ध्यान से ना, ये बी सी डी ई और एफ ये कैसे पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स ऊपर के नहीं है, याद रखिएगा, ये दो इंटरवल के बीच का मिड पॉइंट है जो इस लाइन से जुड़ता है, इन दोनों इंटरवल के बीच का मिड पॉइंट है ये जो इस लाइन से जुड़ता है, इन दोनों इंटरवल के बीच का मिड पॉइंट है ये वाला जो इस लाइन से जुड़ता है। तो ऊपर जो दिख रहा है वो असल में किसका मिड पॉइंट है, ये जो क्लास इंटरवल है इनके मिड पॉइंट्स हैं, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ। तो हम लोग क्या करेंगे, यह जहां से रेक्टेंगल स्टार्ट हुआ है, हिस्टोग्राम जहां से स्टार्ट हुआ है, उससे एक पहले का इंटरवल लेंगे। यह इंटरवल कितने का था, 5 का, क्लास इंटरवल समझ रहे हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है, 5। तो सेम इंटरवल एक पीछे लेंगे, और यहां पर जहां रेक्टेंगल खत्म होता है सेम एक इंटरवल आगे लेंगे। इंटरवल कितने कितने का आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5, 5 5 का क्लास इंटरवल है। तो एक क्लास इंटरवल इस रेक्टेंगल नंबर 1 जो पहला रेक्टेंगल है उससे पहले सेम क्लास इंटरवल हम सोचेंगे। ये बन गया 0 से 5, इंटरवल कितना आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो रहा है, 5। इसके बाद एक इंटरवल सोचेंगे, ये 3 30 है, तो यहां क्या लिखना है मुझे, 35। क्लास इंटरवल कितना हुआ इसका,
फाइव, 35 माइनस 30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 हुआ। हम ये जो पॉइंट्स मार्क कर रहे थे ये कौन से पॉइंट थे? क्लास के मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू, समझ रहे हैं ना, क्लास मार्क ले रहे थे। तो ये वाला जो क्लास हम लेंगे इसका भी क्या लेंगे? मिड वैल्यू। ये वाला जो क्लास हमने लिया इसका भी क्या लेना है? मिड वैल्यू। ये इसका हम नाम रखने, देखो इसको मैंने बी से स्टार्ट किया था, इसका नाम क्या रख रहा हूँ? ए। ये F पर खत्म हुआ, इसका नाम क्या रख दिया? जी, ये मिड वैल्यू है। ये दोनों पॉइंट कहां पर है? X एक्सिस पर। ध्यान से देखिए, ये वाला A और ये वाला G दोनों किस पर है? X एक्सिस पर। बाकी कोई भी पॉइंट X एक्सिस पर नहीं होगा, खाली यही दो X एक्सिस पर होंगे। हो गया। अब आप स्केल रखिए यहां से यहां, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, इसको स्केल रख के स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, और आपका स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए? इस तरह बना रहा हूं मैं ना, डॉटेड। ये आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, डॉटेड से ज्वाइन करो, स्ट्रेट से ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप चाहे तो सीधे सीधे लाइन खींच सकते हैं, स्ट्रेट ना, डॉटेड नहीं भी खींचेंगे तो चलेगा, सीधे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। हो गया, ये हो गया। हाँ, अब देखो फिगर क्लोज बना कि ओपन है अभी भी। ए से स्टार्ट हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये देखो लाइन आ गई ए तक वापस, तो घूम के ए तक आ गए। ये पॉलीगॉन जो आपको डॉटेड लाइन का दिख रहा है, ये क्लोज है कि ओपन है? क्लोज है, और तीन साइड से ज्यादा साइड है कि नहीं? देखिए, ये एक साइड, ये दो साइड, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं और ये सातवीं, सेवन साइड वाला पॉलीगॉन बन गया ये, ठीक है, बन गया। और ये पॉलीगॉन किसकी हेल्प से बना है? फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, समझ आया। और इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमने किससे बनाया है, किसकी हेल्प से? हिस्टोग्राम की हेल्प से। सो दिस इज द मेथड बाय हिस्टोग्राम, समझ आया। अब इसमें मजे की बात ये होती है, ध्यान से देखिए, आपको जो हिस्टोग्राम्स दिख रहे हैं, हिस्टोग्राम मतलब समझ रहे हैं, रेक्टेंगल, इस पूरे रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा, सभी रेक्टेंगल के एरिया जोड़ने के बाद, हिस्टोग्राम के, ये हिस्टोग्राम दिख रहा है ना आपको, फिर से सुनिए इधर ध्यान लगा के, जितने रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं सभी रेक्टेंगल क्या कहलाएंगे? हिस्टोग्राम। अगर हम सभी रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दें तो पूरे हिस्टोग्राम का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना, डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ के अंदर का एरिया, इसका एरिया और हिस्टोग्राम का एरिया, दोनों एरिया बराबर होते हैं। समझ आया नहीं आया? हिस्टोग्राम का एरिया सभी रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन का एरिया, और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना है आपका डॉटेड लाइन वाला, इसके अंदर का एरिया, ये दोनों एरिया बराबर होते हैं। मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर करके नहीं बताऊंगा, आप कंगुरेंसी लगा करके इसको प्रूव कर सकते हैं। समझ आया, ठीक है। तो हिस्टोग्राम और उससे बनने वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दोनों का एरिया कैसा होता है? बोलिए बोलिए, दोनों का एरिया सेम होता है। ये कौन सा मेथड हुआ? हिस्टोग्राम मेथड, समझ आया। इसी को बनाने के लिए, ध्यान से देखिए, इसी को बनाने के लिए हम एक डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, जिसमें हमको क्या नहीं बनाना पड़ेगा? हिस्टोग्राम। बिना हिस्टोग्राम बनाए हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये मेथड थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अब, ठीक है। और इस मेथड को हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। जी, समझ आ रहा है क्या बोलना आप इसको? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए इसमें हम लोग एक कॉलम और बढ़ाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, चूंकि मुझे अब हिस्टोग्राम नहीं बनाना, समझ रहे हैं ना, क्या नहीं बनाना है, क्या नहीं बनाना है? हिस्टोग्राम। तो हमको इस क्लास की जरूरत है क्या? क्लास किसके लिए चाहिए, क्या बनाने के लिए? यहाँ क्या लिख रहे थे? क्लासेस, क्लास लिख रहे थे ना, इधर देखो ना भाई, यहाँ क्या लिख रहे थे? एक्स एक्सिस पर क्लासेस। किसको बनाने के लिए? हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास चाहिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमको चाहिए? तो आंसर है ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ई एफ जी, यही चाहिए ना। और ये सब पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ बनाने वाले पॉइंट्स हैं? बोलिए, मिड, जिसको क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। समझ आया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको कौन से पॉइंट्स चाहिए? क्लास चाहिए, कि क्लास के बीच की वैल्यू, जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं या क्लास मार्क बोलते हैं, वो चाहिए? क्लास मार्क चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये सभी पॉइंट्स, ये पॉइंट असल में इन दोनों क्लास के बीच का क्लास मार्क है, ये
इन दोनों क्लास के बीच का क्लास मार्क ये वाला पॉइंट है, समझ रहे हैं? इन दोनों क्लास के बीच का क्लास मार्क ये वाला पॉइंट है, इन दोनों क्लास के बीच का क्लास मार्क ये वाला पॉइंट है, समझ आ रहा है? क्योंकि आपके ग्राफ कॉपी में ऐसी एक लाइन आई है, समझ रहे हैं ना? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, क्लास चाहिए होता है कि क्लास मार्क चाहिए होता है? हाँ, ये क्लासेस कब चाहिए क्या बनाने के लिए, बोलिए बोलिए, क्लास क्या बनाने के लिए चाहिए? हिस्टोग्राम। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लास मार्क, मिड वैल्यू, समझ गए ना? यहाँ पर जो हिस्टोग्राम बना है, सॉरी, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना है, उसका नाम क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ क्या नाम है? ए बी सी डी ई एफ जी, ए ए बी सी डी ई एफ जी, दिस इज द नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, समझ में आया? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बना उसका नाम क्या है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब वहाँ पर आए हम लोग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए फिर से क्या चाहिए हमको, बोलिए, क्लासेस चाहिए या क्लास मार्क चाहिए? क्लास मार्क चाहिए। तो इसी टेबल में हम थोड़ा सा आगे जगह बना लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, ये मैंने बताया निकालने का तरीका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप इन सब के लिए यहाँ पर क्लास मार्क निकाल के मुझे बताइए, ठीक है? एक कॉलम और बना लीजिए और यहाँ पर हेडिंग दीजिए आप क्लास मार्क, और सबके क्लास मार्क निकाल के बताइए कितने कितने आ रहे हैं, समझ गए? अब हम लोग आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ हमको बनाना है विदाउट हिस्टोग्राम। और यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए हमको कौन सा पॉइंट चाहिए होता है, मिड वैल्यू, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। तो हमने एक कॉलम बना लिया इसी टेबल में और क्लास मार्क निकाल लिया। कैसे निकाले, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किए तो इस क्लास का क्लास मार्क आ गया, मिड वैल्यू, यहाँ मैंने निकाल के बताया था। फिर आपने यहाँ दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो इसका क्लास मार्क आ गया, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किए इसका क्लास मार्क आ गया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए इसका क्लास मार्क आ गया, सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए इसका क्लास मार्क आ गया। क्लास मार्क है हमारे पास और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास, वाई एक्सिस में क्या रखते हैं, बोलिए बोलिए, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस में क्या रखते थे, हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस में क्या रखते थे, क्लासेस, है ना? अब हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है विदाउट हिस्टोग्राम, तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या रखेंगे, क्लास मार्क, समझे नहीं समझे, समझ रहे हैं? वाई एक्सिस में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी, समझे ना? और एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, बोलिए जोर से बोलो, ये आपको याद रखना है ना, ध्यान देना कि हिस्टोग्राम के मेथड से बनाना है या डायरेक्ट मेथड से बनाना है। हिस्टोग्राम के मेथड से बनाना है तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, क्लासेस, और डायरेक्ट मेथड से बनाना है तो एक्स एक्सिस में क्या रखना पड़ेगा, बोलिए, क्लास मार्क, ठीक है? और वाई एक्सिस में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी। तो अब की बार यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं डायरेक्ट के लिए, क्लास मार्क्स, ठीक है? कितना कितना आया है यहाँ पर देख लीजिए, कितना है, 7.5, 12.5, 17.5। तो घबराइए नहीं किसको कहाँ लेना है, हमारे ग्राफ में 1-1 सेंटीमीटर में ऐसी लाइनें आई हैं, आप कंटिन्यूअसली मान सकते हैं। पहला वाला कितना है, 7.5, दिस इज 0, तो पहली वाली लाइन को यहाँ पर हम 7.5 मान लेते हैं। दूसरी वाली लाइन पे हम मार्किंग कर सकते हैं 12.5, तीसरी वाली लाइन पर हम मार्किंग कर सकते हैं 17.5, चौथी लाइन पर हम मार्किंग कर सकते हैं 22.5, और पांचवी लाइन पर हम मार्किंग कर सकते हैं 27.5। बात समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना, आ रहा है? मैं इसको थोड़ा सा और दूर दूर बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह अवेलेबल है, ठीक है? ये यहाँ दूर दूर ले लेता हूँ, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, ठीक है? हो गया। वाई पर क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, 7। तो 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ये हो गया, ठीक है, समझ आया? हाँ, आप क्या करना है, 7.5 हमने पहले ही मार्क कर रखा है। अब हमारी क्लासेस कहाँ चली गई? ये कहाँ से आया है? इस क्लास से आया है, इस क्लास के बीच वाली वैल्यू है ये। तो क्लासेस, ये क्लासेस कहाँ है वहाँ पर? तो आंसर है इधर होगा 5 और इधर कौन होगा 10, समझे ना, 5 और 10। ये आपका ये है ना 1 सेंटीमीटर का, तो ये बीच वाला क्या मान लेंगे आप? 5, लिखना नहीं है ना, ध्यान से सुनिए, 5 और ये वाला क्या होगा 10, और इन दोनों का मिड वैल्यू कितना आता है क्लास मार्क 7.5, तो दोनों के बीच में लिख गया है 7.5, समझ आया? अब हमको ये क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना, पक्का? हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं मिटाता हूँ ना, फिर हम बनाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। ये हो गया, ठीक है। अब ये है क्लास मार्क एक्स एक्सिस, ये है फ्रिक्वेंसी वाई एक्सिस। 7.5 की हाइट कितनी होनी चाहिए? 2, समझ रहे हैं ना? अब इसको मैं मैच कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना कैसे। ये है 7.5 और ये लाइन ऐसी गई होगी ऊपर 7.5 वाली ग्राफ पेपर में। हाइट कितनी ले जानी हमको? 2, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पर आकर के मिलती हैं, ये एक पॉइंट हमने रख दिया, ठीक है। समझ आया नहीं आया? आ रहा है ना, यहाँ से भी एक लाइन ऐसी गई होगी, यहाँ से एक लाइन ऐसी आई होगी जहाँ पर ये 2 और 7.5 का क्राइटेरिया मेट आउट होते हैं, एक पॉइंट ले लिए। आया? आया। इसका नाम हम रख रहे हैं बी, और इसका एड्रेस कितना? आंसर है 7.5, 2। इसको मैं और साइड में लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इस पॉइंट का नाम बी, इसका एड्रेस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस कॉमा, और उसके बाद ये वाई एक्सिस वाला डाटा 2, ये इस पॉइंट का एड्रेस हो गया। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। पहले किसको लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? एक्स एक्सिस के डाटा को, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर किसको लिखते हैं? वाई एक्सिस के डाटा को। ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये वाला यहाँ आओ, 12.5 की हाइट कितनी होगी? 5, समझ रहे? तो 12.5 से जो लाइन ऐसे ऊपर गई है और 5 से जो लाइन ऐसे आई है, उन दोनों पर एक कॉमन पॉइंट ऐसे मार्क करिए। आप समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? 5 वाली लाइन ऐसी गई होगी ग्राफ पेपर में और 12.5 वाली लाइन ऐसी गई होगी, जहां पर दोनों कटते हैं वहां पर इस कॉमन पॉइंट को आप बना दीजिए। ये यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक, अपने हिसाब से आप अपने ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। इसका नाम मैं रख रहा हूं सी, और इसका एड्रेस कितना? 12.5, 5, ये कॉमा है। समझ रहे हैं? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? 17.5 की हाइट कितनी होगी? 7। अब आप समझ रहे हैं आपको कहां तक ले जाना है? ये लाइन ऐसे देखिए ग्राफ कॉपी में, और 7 वाली पॉइंट ऐसे लाइन ऐसे आ रही है, जो कॉमन पॉइंट होगा वहां पर हम इसको लिख देंगे डी, और दिस इज 17.5, 7। ठीक है, बन रहा है आपका, मिल रहा है पॉइंट? खाली पॉइंट खोजते जाना है। आपके ग्राफ कॉपी में ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं, मेरी कॉपी में नहीं है, आपकी कॉपी में है, ठीक है, इधर ध्यान दो। अगला, 22.5 की हाइट कितनी? 4, तो 22.5 की हाइट ये वाली लाइन सोचिए और ये 4 वाली लाइन ले जाइए, ये जहां पर आकर के एक दूसरे को काटेंगे वहां पर आप ये कॉमन पॉइंट ले लीजिए। इसका नाम हम रख रहे हैं एफ, बी सी डी ई रख देते हैं ना, ई, और इसका एड्रेस कितना होगा? 22.5, 4, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? 27.5 की हाइट कितनी? 3, दिस इज 27.5 और 3 वाली हाइट, ये ऐसी लाइन आएगी यहां से, ये लाइन ऐसी गई होगी, यहां पर 27 वाली लाइन होगी, ये मैं नाम रख रहा हूं एफ, और इसका एड्रेस है 27.5, 3। हो गया? हो गया? सभी पॉइंट्स मिल गए? कोई हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ग्राफ कहाँ है, ज्वाइन कर देते हैं।
आप चाहें तो स्केल रख रख के दो पॉइंट मिला के स्ट्रेट लाइन से जोड़ते जाइए, आप चाहें तो फ्री हैंड कर्व बना के भी इसको जोड़ सकते हैं। कर्व मतलब समझ रहे हैं, बिना स्केल पटरी के यहां पर पेन रख के ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, पेंसिल रख के, सॉरी पेन नहीं ना, क्या रखना है, पेंसिल यहां रख के इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन, इसको ज्वाइन, इसको ज्वाइन, फ्री हैंड विदाउट स्केल, उसको बोलेंगे कर्व। और स्केल से जब आप बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। मैं चाहता हूं आप स्केल रख के बना लीजिए, ठीक है, तो स्केल रख के आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, आप चाहें तो डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं, बाद में हम बना लेंगे डॉटेड लाइन। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ऐसा हो गया ज्वाइन, ठीक है। और आप चाहें तो डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, आप डॉटेड खींच लीजिए, मुझे डॉटेड बनाने की सुविधा है यहां पर, ये बन गया, बन गया। अच्छा, क्या ये पॉलीगॉन है, बोलिए क्यों नहीं है, तीन साइड से तो ज्यादा साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तीन से ज्यादा है, ओपन फिगर है, तो हमको क्या करना है, इसको क्लोज, तो इसको कहां जोड़ेंगे, तो आंसर है ये जो इंटरवल होगा, कहां कहां जोड़ना, कहां है इसको, बोलिए कहां जोड़ेंगे, किसके मिड पॉइंट में, ये अभी सबने मिड पॉइंट हमने बनाया ना, ये क्लासेस थे, क्लास का मिड पॉइंट था, तो आपको ना यहां इसको पीछे जोड़ने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन और करना पड़ेगा। वो इमेजिनेशन क्या है, इससे पहले कौन सी क्लास आएगी जिसका साइज कितना होना चाहिए, 5, क्योंकि हर जगह क्लास साइज या क्लास इंटरवल कितना है, 5, तो इसके ऊपर कौन सी क्लास सोच सकते हैं आप, 0 से 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आया इंटरवल, 5, इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं दी है तो कितना हो गया, 0, और इसका अगर क्लास मार्क यहां निकालते तो कितना आता, आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना आता, इन दोनों का सम 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, ये आता, ये मिला 2.5। इसके बाद आपको एक क्लास इमेजिन करना है, ये थोड़ा सा सोचेंगे आप ना, ऐसे इधर देखिए सब ध्यान से, इसके बाद कौन सी क्लास आप सोच सकते हैं, सेम इंटरवल वाली, ये 30 पर खत्म हो रही है तो 30 से 35, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दी है क्या, नहीं, तो कितनी मान लेंगे, 0, हाँ, ये मिड वैल्यू कितनी निकालेंगे, क्लास मार्क दोनों ऐड करिए, ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 32.5, करके देखिए 32.5, ये आ गया, ये और एक ये, समझ आया, तो हम क्या करेंगे, ये है 7.5, इससे पहले एक डाटा चूज करेंगे, वो भी क्या होगा, क्लास मार्क, तो इससे पहले वाला क्लास मार्क कितना आएगा, 2.5, कहां रखना है, तो बनाते समय आप एक जगह और छोड़ के आएंगे, समझ रहे हैं, एक छोड़ के उधर बनाएंगे, नहीं समझे, नहीं समझे, ये पहली लकीर आप छोड़ देंगे, उसके बाद वाले में 7.5 मार्क करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं हड़बड़ा के मत बनाइए, अगर आपने गड़बड़ी कर दिया है तो क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस मिटाइए, ये लकीर खाली करिए ग्राफ का, और एक लकीर बाद इधर वाई एक्सिस बनाइए, समझ आया, जिन्होंने गड़बड़ी कर दी, ज्यादा एक्साइटमेंट के मारे हड़बड़ी में बनाते हो, यही गड़बड़ी होती है कि जो चीजें लास्ट में बनानी है, दिखाइए, दिखाओ दिखाओ, वो नहीं है बिटिया, ये 7.5 मार किया, ये एक छोड़ना पड़ेगा, इसको मिटाओ और यहां से बनाओ वाई एक्सिस को बगल से, तो ये खाली हो जाएगा, हाँ, तो आप वहां बना सकती हो, कोई हड़बड़ी, कोई गलती नहीं, इसको मिटा दो ना, ये तो 0 ना है, इस लाइन को मिटा के बगल में ले लो, यहां पे बना लो वाई एक्सिस, दिखाओ, हाँ ये ठीक करी है, ये देखो सावधानी से बचने के लिए इसने बिल्कुल ठीक काम ना, लेकिन तुम दो दो लेके चल रही हो, दो दो घर, तो इधर दो घर छोड़ना पड़ेगा, हाँ गड़बड़, ठीक है, आप भी मिटा के यहाँ पर वाई एक्सिस बनाइए एकदम कॉर्नर में, बात समझ रहे हैं क्या करना है, समझे ना, समझे, ऐसी आपकी पहली लकीर है ये वाली, ये पहली लकीर ऐसी है ग्राफ कॉपी की, तो यहां से नेमिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग दूसरी लकीर से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे ये दूसरी लकीर है, ये समझ रहे हो ना, तो वाई एक्सिस अगर आपने यहां बनाया है तो आप एक घर छोड़ दीजिए,
हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए इसको छोड़ना है आपको, इसके बाद वाले से फिर 7.5 दे के स्टार्ट करना है। समझे या नहीं समझे? समझे ना, बोलो ना। हाँ, तो इसके पहले आपको क्या मानना है, 7.5 से पहले कौन सा क्लास मार्क आ रहा है? 2.5। तो यहां पर हम लिखेंगे 2.5 ये, और इसके बाद वाला एक घर और लेना है आपको वहां। कितना कितना होगा उसका क्लास मार्क 27.5 के बाद? 32.5। ये हमारा बनेगा 32.5। ये समझ रहे हैं ना एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? पॉलीगॉन कंप्लीट करने के लिए। आया समझ में बात कि नहीं आया? अब मैं ये दो लाइनें मिटा दूं जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। समझ में आ गई बात? बोलो ना। हाँ, तो इसको मैं मिटा रहा हूं ना, ये जी ठीक है। अब हमको पॉलीगॉन कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस 2.5 वाले को मैच करेंगे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, और यहां से 32.5 वाले को हम मैच करेंगे स्ट्रेट लाइन से। आप चाहें तो कर्व बनाइए, आप चाहें तो डॉटेड लाइन बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए। बन गया, बना आप कंप्लीट, क्लोज हुआ कि नहीं हुआ फिगर? ये फिगर क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, समझ में आया? आया। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहां बना था हिस्टोग्राम की हेल्प से, सेम वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वहां बना है विदाउट हिस्टोग्राम की हेल्प से। देखिए देखिए, उतार चढ़ाव सब जगह एक जैसे ही होंगे, यहां जैसे आया वहां भी वैसे ही बनेगा। ये मेरा यहां टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता आपकी ग्राफ में, जैसा आपका ये फिगर बना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगला भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। समझे ना नहीं समझे? जैसे मेरा यहां ऐसे बना है और फिर ये ऐसे ऊपर चढ़ा है, यहां पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन जब आप एक्चुअल बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा, जैसे ये बना हुआ है। समझ रहे हैं? दोनों एक जैसे बनेंगे, सेम टू सेम। आया समझ कि नहीं आया? तो डायरेक्ट बनाने के लिए हमेशा याद क्या रखना है, एक घर छोड़ के बनाना है, एक डब्बा छोड़ दीजिए, उसके बाद से नंबरिंग देना स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर एक डब्बा हमको जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के ना। समझ गए? समझ गए? तो ये डायरेक्ट मेथड है, और ये कौन सा मेथड है? हिस्टोग्राम वाला। दोनों मेथड समझ आ गए आपको या नहीं आए? जल्दी बोलिए। आ गए, नोट कर लीजिए, ठीक है।